हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे, जिनका जवाब आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए ये सवाल बहुत ही नॉलेजफुल होंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे जितने भी वीडियो में यूट्यूबर डालूँ उनके अपडेट आपको रोज़ाना मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब किया गया? इस सवाल के जवाब के लिए आपको 5 सेकेंड दिए जाते हैं। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 1952। अगला सवाल है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? दोस्तों, ये आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको 5 सेकेंड मिलता है, आप इसका आंसर कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब होगा लुम्बिनी। आपका अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 5 सेकेंड दिया जाता है, आप इसका जवाब कॉमेंट में बताइए। तो सही जवाब होगा 13 अप्रैल 1919 को। अगला सवाल है आपका, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? इस सवाल के आंसर के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड, आप इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडवर्ड टेलर। अगला सवाल है आपका, किसके कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? इस सवाल के आंसर के लिए आपको हम 5 सेकेंड दे रहे हैं, आप इसका आंसर कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा कैरोटीन। आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इसके लिए आपको 5 सेकेंड दिए जा रहे हैं, आप इसका आंसर नीचे कमेंट में बताइए। आपका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। आपका अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले पैमाने को क्या कहते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसके लिए आपको 5 सेकंड दिए जा रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही जवाब है रिक्टर स्केल। आपका अगला सवाल है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? इसके आंसर के लिए भी आपको 5 सेकेंड दिए जा रहे हैं, आप इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताइए। आपका सही जवाब हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। आपका अगला सवाल है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार। आपका अगला सवाल है, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में हमेशा ये सवाल पूछे ही जाते हैं। तो इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म का। आपका अगला सवाल है, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कॉमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मांडवी नदी। आपका अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? इस सवाल का आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आपका अगला सवाल है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आपका अगला सवाल है, बंगाल का सोक किस नदी को कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों और ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। तो इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप इसे कमेंट में बताइए।
इसका सही जवाब हो जाएगा दामोदर नदी। आपका लास्ट सवाल है, संतरे में कौन सी अम्ल होती है? अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं। इसके लिए आपको 5 सेकंड दिए जा रहे हैं। तो सही जवाब होगा टार्टरिक अम्ल। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको हेल्पफुल साबित हुई हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक।